दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको बैंक में कुछ जरूरी काम है तो आप आज ही फटाफट निपटा लें, क्योंकि अक्टूबर महीने में बिहार में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। जो मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर महीने में बैंकों में सामान्य कामकाज महज 20 दिन ही होंगे, बचे हुए दिन बैंक आपको बंद मिलेंगे। जो खबर के मुताबिक पटना सहित बिहार के सभी जिलों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं अक्टूबर महीने में 5 रविवार पड़ रहे हैं, जिसके कारण 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। वहीं पटना सहित बिहार के सभी जिलों में 13, 14 और 15 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण बैंकों में काम नहीं होंगे और बैंक बंद रहेंगे, जबकि 9 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। बैंक के अधिकारियों की माने तो छुट्टी के दौरान बैंक बंद अवश्य रहेंगे, लेकिन आप ऑनलाइन के द्वारा पैसों का लेन देन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। वहीं एटीएम में भी पैसे पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेंगे। दोस्तों कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जहां राहुल गांधी ने दोनों युवा नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जहां कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार ने बताया है कि आखिर उन्होंने इस पार्टी में शामिल होने का फैसला क्यों किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी इसीलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वे सिर्फ लोग नहीं बल्कि वे एक सोच है। वे इस देश की सत्ता पर न सिर्फ काबिज हुए हैं बल्कि इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये चुनाव किया है कि हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में इसीलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि इस देश के लाखों लोगों को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश 1947 से पहले वाली स्थिति में चला गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जो महात्मा गांधी की विरासत को लेकर आगे चलेगी। यह लोकसभा में 545 सीटें हैं, इसमें 200 सीटें लगभग ऐसी है जहां बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर यह पार्टी बचेगी तो इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और बाबा साहेब की समानता की भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद किया है। वहीं पर जिग्नेश मेवानी ने कहा कि मैं कानूनी वजह से औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हो सका, मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। अगर मैं किसी भी पार्टी में शामिल होता हूं तो मैं विधायक के रूप में नहीं रह सकता, मैं वैचारिक रूप से कांग्रेस का हिस्सा हूं। आगामी गुजरात चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से लड़ूंगा। दोस्तों अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर आई है। जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट देना होता है उसके लिए किसी भी आवेदक को अपनी गाड़ी नहीं ले जानी होगी। इस झंझट से अब छुटकारा मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का संचालन करने वाली एजेंसी ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए बाइक या कार देगी। जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए दूसरी राहत की खबर यह है कि जो एजेंसी दोपहिया या 4 पहिया वाहन टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराएगी उसे आपको पैसे भी नहीं देना होगा, इसका बोझ भी सरकार ही उठाएगी। जानकारी मिली है कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का संचालन करने वाली एजेंसी को परिवहन विभाग ही हर एक आवेदक के बदले 100 रुपए देगा, यानी कि विभाग ही इसका भुगतान करेगा। जहां आवेदक को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बिहार में फिलहाल यह सुविधा ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक की सुविधा वाली केंद्र पटना और औरंगाबाद में ही मिलेगी। इसके बाद जैसे जैसे अन्य जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बनेंगे यह सुविधा वहां भी लागू हो जाएगी, यह लागू की जाएगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को एजेंसी की गाड़ी पर बैठकर ही टेस्ट देना होगा। जब बिहार परिवहन विभाग ने दिसंबर तक बिहार के सभी जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाने का लक्ष्य रखा है।
दोस्तों बिजली विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर के नाम पर बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करने का मुद्दा गहराता जा रहा है, जिसका विरोध अब पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। वहीं प्रीपेड मीटर के नाम पर जनता को ज्यादा बिल भेजे जाने से नाराज लोगों ने आज पटना सिटी के माल सलामी इलाके में बाजार समिति स्थित कटरा बाजार बिजली ऑफिस के पास अशोक राजपथ को जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। जिस साथ ही बिजली ऑफिस का घेराव करके बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रीपेड मीटर हटाने की मांग की। बिजली उपभोक्ताओं ने सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिजली विभाग पुराने मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, साथ ही केस करने की धमकी देकर मनमाने ढंग से रुपए की वसूली कर रहा है। जब प्रीपेड मीटर के नाम पर उन्हें बार बार रिचार्ज करना पड़ रहा है और बिजली की अधिक यूनिट आने से गरीब जनता परेशान है, वहीं रिचार्ज के बाद भी उन्हें बिजली समय पर नहीं मिल रही है। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। जब इसकी शिकायत लेकर बिजली ऑफिस जाते हैं तब अधिकारी उनकी शिकायत सुनने के बजाय ऑफिस छोड़कर भाग निकलते हैं। जब बिजली विभाग के कर्मचारी का कहना है कि अधिकारियों के आदेश पर ही प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, वहीं आक्रोशित लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में वे सड़क से संसद तक का घेराव करेंगे। दोस्तों आईएएस की परीक्षा में देश भर में टॉप करने के बाद बिहार के बेटे शुभम कुमार की पहली बार नीतीश कुमार से बातचीत हुई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिविल सेवा टॉपर शुभम कुमार से फोन पर बात की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभम को उनकी सफलता पर बधाई दिया और उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी सफलता पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। शुभम कुमार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और कहा कि उनसे बात करके अच्छा लगा। शुभम कुमार के पिता से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि शुभम की सफलता पर बिहार गर्व है, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। इस मौके पर शुभम कुमार के पिता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की इच्छा जताई है। यह नीतीश कुमार ने शुभम की मां से भी बात की और उन्हें बधाई भी दी। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के बीच संत समाज की ओर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठने लगी है। जहां अयोध्या में तपस्वी छानवी के जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने विवादास्पद मांग उठाते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए वरना वे जल समाधि ले लेंगे। इसके साथ ही जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार से मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की नागरिकता समाप्त किए जाने की भी अपील की है। जहां उन्होंने कहा कि मेरी ये मांग है कि भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए वरना मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की नागरिकता भी खत्म करनी चाहिए। आपको बता दूं कि जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज का यह बयान तब आया है जब 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। यह सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। यह इससे पहले आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए थे तो उन्होंने ट्रस्ट पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी थी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जैसे जैसे जमीन सर्वे का काम पूरा हो रहा है वैसे वैसे चकबंदी की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जी हां, इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तैयारी में जुट लगा हुआ है। खबर के अनुसार शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्बा प्रखंड में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस जिले में जमीन सर्वे का काम करीब करीब पूरा हो गया है, इसीलिए पहले चरण की चकबंदी यहां से शुरू की जा रही है। जी हां, IIT रुड़की की टीम ने चकबंदी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। दोस्तों बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार दानापुर बिहटा और मनेर के आसपास ग्रेटर पटना बनाने की तैयारी की कर रही है। इसको लेकर विभाग के स्तर पर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। खबर के अनुसार पटना को बड़े स्तर पर विकसित करने के लिए ग्रेटर पटना में मनेर बिहटा नबतपुर समतचक विक्रम दानापुर और फुलवारी शरीफ के करीब 500 गांव को शामिल किया जाएगा। इससे इन गांव की तस्वीर बदल जाएगी। साल 2025 तक ग्रेटर पटना 2600 एकड़ में फैला होगा। शिवाला से लेकर बिहटा तक बनने वाले एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ रिहायशी इलाके बसाए जाएंगे। इन इलाकों में IIT पार्क भी बनाया जाएगा, जहां साथ ही साथ कई तरह के आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस ने देश की पहली महिला कमांडो फौज तैयार की है। इन महिला कमांडो की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। जी हां, इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह की महिला कमांडो मौजूद है। जी खबर के अनुसार इन महिला कमांडो को अर्धसैनिक बल की देखरेख में ट्रेन किया गया है। जी इन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। इन महिला कमांडो को दहशतगर्द गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष तौर पर गठित ATS में भी प्रतिनियुक्त की जाएगी। आपको बता दूं कि 92 महिला सिपाही इसी महीने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद लौटी है। दोस्तों यूपी और बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी और बिहार में ANM के 13,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की निकाली है। इसके लिए युवाओं से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं, जहां युवा अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जहां मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में ANM के 8,853 पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org इस पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। पूरी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ANM में कुल 5,000 पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर यानी कि आज ही 30 सितंबर 2021 तक निर्धारित किया गया है, यानी कि आज ही लास्ट डेट है। दोस्तों दशहरे के मौके पर अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई से पटना आना चाहते हैं तो आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि देश के इन शहरों से पटना आने के लिए विमान का किराया महंगा हो गया है। जैसे खबर के अनुसार दिल्ली और हैदराबाद का किराया सामान्य से दुगुना हो गया है। वहीं कोलकाता से पटना आने का विमान किराया सामान्य से 3 गुना तक बढ़ गया है, जबकि मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई का किराया भी 1.5 गुना महंगा हो गया है। आपको बता दूं कि दशहरे के मौके पर बिहार आने के लिए ट्रेनों के वेटिंग टिकट मिल रहे हैं, जिसके कारण लोग फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हैं। जहां इससे फ्लाइट टिकट के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। आप ऑनलाइन के द्वारा फ्लाइट का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। दोस्तों सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा, गोपालगंज सहित देश भर के सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आवेदन पत्र जारी कर दिया है। योग्यता की बात करें तो जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 6वीं और 9वीं कक्षा में दाखिला के लिए इच्छुक और योग्य स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक है। दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट के अपार सफलता के बाद बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बिहार सरकार की सहायता से बिहार में बहुत जल्द 5 एयरपोर्ट को डेवलप करेगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। यह खबर के अनुसार बिहार में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले 4 से 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इससे बिहार के 5 एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा। इसमें पटना एयरपोर्ट, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट शामिल है। आपको यह भी बता दूं कि वर्तमान समय में पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से विमान का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यह एयरपोर्ट इतना भी बड़ा नहीं है कि यहां से हर तरह के विमान उड़ान भर सके। इसलिए सरकार इस एयरपोर्ट के रनवे का भी विस्तार करना चाहती है। वहीं रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार एविएशन के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द इन एयरपोर्ट से भी विमान सेवा शुरू किया जाएगा। दोस्तों पंजाब की सियासत के समंदर में उठी विवाद की लहरें शांत होने का नाम नहीं ले रही है। जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। जब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने अपना पहला वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सच और हक की लड़ाई लड़ने की बात कही है। सिद्धू ने अपने वीडियो संदेश में पंजाबी भाषा में कहा है कि प्यारे पंजाबियों, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के साथ किया है, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति करना, यही मेरा धर्म था और यही मेरा फर्ज है। मैंने कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ी है, मेरी लड़ाई मुद्दों की है। पंजाब का अपना एक एजेंडा है, इस एजेंडे के साथ मैं अपने हक सच की लड़ाई लड़ता रहूं, इसके लिए कोई समझौता नहीं है।
दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन नए संसद भवन कौशल गति और विशालता का बेहतरीन नमूना होगा। इसके निर्माण कार्य में हजारों मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का बेजोड़ उदाहरण भी होगा, क्योंकि इसके हर घटक वास्तुकला से लेकर निर्माण सामग्री तक स्वदेशी है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा है कि नया संसद भवन अक्टूबर 2022 की समय सीमा में तैयार हो जाएगा, जहां उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये चमत्कार होगा कि इतने कम समय में इतना विशाल भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह की बहुत ही कम मिसालें मिली होगी। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। उन्होंने कहा है कि 2400 घंटे काम चल रहा है, 4800 मजदूर साइट पर लगाए गए हैं, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में 1200 मजदूर काम कर रहे हैं। देश के 20 स्थानों पर नए संसद भवन से जुड़े काम हो रहे हैं। कहीं फर्नीचर तैयार किया जा रहा है तो कहीं पत्थरों की कटाई हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगले साल शीतकालीन सत्र नए भवन में होगा। दोस्तों सुपर बाइक्स की इस दौर में मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का पूरा ख्याल रख रही है। भारत में अपना बिजनेस करने वाली तमाम छोटी बड़ी कंपनियां अलग अलग वर्ग के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अपनी सस्ती बाइकों में भी महंगी बाइक जैसी कई फीचर्स दे रही है। एक समय था जब केवल स्पोर्ट बाइक या फिर किसी महंगी बाइक में ही डिस्क ब्रेक और ABS जैसे फीचर्स मिलते थे, लेकिन अब कंपनियां अपनी साधारण सी बाइक में भी डिस्क ब्रेक मुहैया करा रही है। जब समय और तकनीक अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छोटे पहिया वाली स्कूटी में भी अब डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि इस डिस्क ब्रेक में जो प्लेट लगाए जाते हैं वे प्लेट छेद क्यों होते हैं? इस प्लेट में छेद क्यों किया जाता है? अच्छा देखने के लिए किया जाता है, डिजाइन के लिए किया जाता है, या फिर कोई काम के लिए किया जाता है? तो इस सवाल का जवाब अभी हम आपको देने जा रहे हैं। जी हां, आपके पास भी ऐसी कोई ना कोई बाइक जरूर होगी जिसमें डिस्क ब्रेक लगे होंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई बाइक नहीं भी है तो आपने कम से कम ऐसी मोटरसाइकिल चलाई तो जरूर होगी। फिर आपने ये भी देखा होगा कि बाइक के डिस्क ब्रेक की प्लेट में हमेशा छेद क्यों रहते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई इक्का दुक्का कंपनियां ही मोटरसाइकिल की डिस्क ब्रेक में छेद करती है, ऐसा सभी कंपनियां करती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि कंपनियां ऐसा करती क्यों है? क्या ये बाइक को अच्छा लुक देने के लिए किया जाता है, या फिर इसके पीछे की कुछ और ही वजह है? और आज हम यहाँ आपको डिस्क ब्रेक में होने वाले छेद की असली वजह बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बाइक की डिस्क ब्रेक प्लेट में छेद क्यों किए जाते हैं, इस बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसा करना बहुत जरूरी है। यदि बाइक की डिस्क ब्रेक प्लेट में छेद नहीं किए गए तो ये आपकी बाइक के साथ साथ आपके जीवन के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ, बाइक के डिस्क ब्रेक में होने वाले छेद न सिर्फ आपकी बाइक को सुरक्षित रखती है बल्कि आपकी जिंदगी भी बचाने में बड़ा रोल निभाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइक की डिस्क ब्रेक प्लेट में होने वाले छेद के बहुत बड़े फायदे हैं। दरअसल जब हम बाइक चलाते हैं तो फिर डिस्क ब्रेक प्लेट ब्रेक पैड के बीचों बीच काफी तेजी से घूमती है। इतना ही नहीं, रोड पर चलते समय हमें बार बार ब्रेक लगाते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से डिस्क ब्रेक की प्लेट ब्रेक पैड के बीचों बीच जबरदस्त रगड़ खाती रहती है। ऐसी परिस्थिति में डिस्क ब्रेक कि प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन प्लेट की यह गर्मी उस पर बनाए गए छेद के रास्ते से बाहर निकल जाती है और प्लेट का तापमान काबू में रहता है। यदि डिस्क प्लेट में छेद ना हो तो यह अत्यधिक गर्मी की वजह से टूट सकती है, जिससे आपके साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि बाइक के डिस्क ब्रेक प्लेट में छेद क्यों रहते हैं। दोस्तों उत्पाद विभाग की टीम ने किशनगंज बहादुरगंज पथ में स्थित धनपुरा के निकट छापेमारी करके भूसा लदे ट्रक से 5319 लीटर शराब की खेप को जब्त किया है। मंगलवार की सुबह कार्रवाई के दौरान पंजाब निवासी ट्रक चालक बिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की खेप सिलीगुड़ी से किशनगंज के रास्ते वैशाली ले जाया जा रहा था। यह सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने ट्रक पर लदे शराब और तस्कर को कोचाधामन पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल में हैं। जब केरल पहुंचने के बाद मल्लापुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की परिभाषा को लेकर RSS को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सावरकर जैसे लोग एक नक्शा खींचकर देश बनाते हैं, लेकिन समझना होगा कि देश कागज पर नहीं बनता है, देश वहां रहने वाले लोगों से बनता है। मेरे लिए तो लोग ही देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि PM देश के लोगों के आपसी रिश्ते को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि आज एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि भारत क्या है। अगर आप सावरकर जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो वह कहेंगे कि भारत के भूगोल की बात करेंगे। वह कलम लेते हैं, नक्शा खींचते हैं और कहते हैं कि ये भारत है, इस रेखा के बाहर ये भारत नहीं है और इस रेखा के अंदर ये भारत है। जब फिर एक सवाल उठता है कि क्या होता है अगर ये नक्शा होता
लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोग नहीं होते। अगर इस क्षेत्र में लोग नहीं होते तो आप यही नहीं कह सकते हैं कि ये भारत है। मेरे लिए यहाँ रहने वाले लोग ही भारत हैं, ना कि कोई नक्शा भारत है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे कहते हैं कि भारत एक क्षेत्र है, हम कहते हैं कि भारत लोग है, रिश्ते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम के बीच, हिंदू मुस्लिम और सिख के बीच, तमिल हिंदी उर्दू बंगाली के बीच का संबंध है। पीएम मोदी के साथ मेरी समस्या यह है कि वे इन रिश्तों को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद के विषय को समझाते हुए कहा कि जिहाद तो हमारे ऊपर फर्ज है, हम कैसे कह सकते हैं कि जिहाद नहीं करेंगे, हम जिहाद करेंगे, जिहाद हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फ़राइज में से है। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए कि अगर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान अपनी जान दे रहे हैं तो ये उनके जिहाद है, ये इस मुल्क के लिए जान दे रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा है कि अगर मीडिया साथ दे तो जिहाद का सही मकसद लोगों को समझाया जा सकता है। ये मुल्क में बसने वाले लोगों के साथ मिलकर रहना है और उनके साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ना है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने आगे कहा है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मुसलमान दबा हुआ महसूस कर रहा है, मुसलमान के ऊपर फिजिकल और इमोशनल प्रहार हो रहे हैं, मुसलमान को इस दौर से निकलने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए बात मुसलमानों पर लेकर आ जाती है और हर बात का क्रिमिनल एंगल बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के साथ होने का दावा करते हैं वे भी मुसलमानों के साथ नहीं है। तालिबान के सवाल पर मदनी ने आगे कहा कि अगर तालिबान किसी जगह आए हैं तो उसके ऊपर भारत को और भारत के लोगों को एतराज करने का हक है। दोस्तों, भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए भी आधार कार्ड बनवाया जाता है, जिसे बाल आधार कार्ड कहा जाता है। हालांकि इसके लिए आवेदन के लिए अलग नियम तय किए गए हैं। दरअसल आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने बच्चों के लिए जारी करने वाले आधार कार्ड में कुछ खास बदलाव किए हैं। जब बच्चों के माता पिता अब बाल आधार कार्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या उस अस्पताल की जारी पर्चा जमा करके आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बाल आधार 5 साल कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। हालांकि नियम के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आंखों की रेटिना और हाथ के पंजों उंगलियों का फिंगरप्रिंट देने की अब जरूरत नहीं होगी। UIDAI ने 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए अब बायोमेट्रिक की जरूरत को हटाने का निर्णय लिया है। अब इसकी जरूरत भी तभी होगी जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा। वहीं पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड की जरूरत आपके आवेदन के दौरान पड़ेगी। दोस्तों, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर सुपर सीएम बनना चाहते थे। पहले कैप्टन को उतरवाया, फिर जाहर और रंधवा को रोका और चन्नी को सीएम बनवाकर उनकी कमांड अपने हाथ में रखने का सिद्धू का सपना 5 दिन में चकनाचूर हो गया। सिद्धू के कहने पर ना तो पंजाब का DGP बनाया और ना ही विभाग बांटे गए। इस तरह के गुरु के सुपर सीएम बनने के सपने की हवा निकल गई और सोमवार रात को ही सिद्धू ने इस्तीफा देने की ठान ली। पंजाब में सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटाने के लिए अभियान छेड़ रखा था और इसमें वे सफल भी हो गए। खुद जहां PPCC प्रधान बन गए, वहीं कैप्टन को कुर्सी से हटवा दिया। जब सिद्धू की मंशा खुद सीएम बनने की थी, लेकिन उनके पक्ष में विधायक नहीं खड़े हुए क्योंकि सिद्धू PPCC प्रधान बनकर अपनी छवि नहीं बना पाए। विधायक सिद्धू को सीएम बनाने के पक्ष में भी नहीं थे। हाईकमान ने सुनील जाखर को पंजाब का सीएम बनाने की तैयारी की, लेकिन सिद्धू को पता था कि जाखर उनके रिमोट से नहीं चलेंगे, इसलिए जाहर का विरोध किया। फिर बात चली सुखजिंदर सिंह रंधवा की, लेकिन सिद्धू उनके नाम पर भी अड़ गए। रंधवा काफी तीखे और तेज तर्रार नेता हैं। जब सिद्धू ने उनका डटकर विरोध किया, आखिरकार हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगा दी। दोस्तों, शराब एवं मारपीट के एक केस से आरोपियों के नाम हटाने के लिए रिश्वत लेते दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना के SI राम प्रवेश राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। जब बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। SI पर आरोप है कि उन्होंने इस मामले में 10,000 रुपए का रिश्वत मांगी है। उसी की एक किस्त लेते हुए सामने से उनका वीडियो बना लिया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद दरभंगा SSP बाबूराम मामले की जांच के लिए बिरोल SDO मनीष कुमार चौधरी को निर्देश दिया है। बिरोल SDPO ने जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट SSP को भेज दी है। हालांकि SSP बाबूराम ने मंगलवार की शाम आरोपी SI को निलंबित कर दिया है।
दोस्तों कोविड काल में अपना राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे ने कई तरीके के बदलाव किए हैं। अब त्योहार नजदीक आते ही टिकट चेकिंग का बड़ा महाअभियान चलाकर जुर्माना वसूलने की योजना बना ली है। इसमें हर टीटी को एक टारगेट दिया गया है। ऐसे में केवल टिकट लेकर चलने से ही आप जुर्माने से नहीं बच पाएंगे, बल्कि आपके पास सही ट्रेन के लिए सही टिकट और इसके अलावा एक वैध फोटो पहचान पत्र भी होना जरूरी है। इसमें जरा भी चूक होने पर टीटी आपसे जुर्माने वसूलने से नहीं चुकेंगे। यह बगैर टिकट यात्रियों पर नकेल कसने के लिए दानापुर रेल मंडल की ओर से टिकट जांच में सख्तीकरण का निर्देश दिया गया है। यह जुर्माने से बचने के लिए आगे कई अहम उपाय हम आपको बताएंगे। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग की है। तेजस्वी यादव ने फिर से पीएम मोदी से मुलाकात की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सर्वदलीय नेताओं का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करें और बिहार में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को पीएम के सामने रखें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दो पन्नों के पत्र में लिखा है कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो हर साल बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं को भी झेलता है, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु होती है और अरबों रुपए की फसल जान माल की क्षति होती है। बिहार के कम 20 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि ऐसे जिले हैं जो हर साल बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सिर्फ घोषणा ही की जा रही है, लेकिन इस समस्या के अस्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। इस तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि इन गंभीर समस्याओं के निदान के लिए कई नहरों और बराजों के निर्माण कराने के साथ साथ राज्य की नदियों को जोड़ने की मांग पहले से की जाती रही है। यहाँ साल 2011 में राज्य में यानी कि बिहार में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इसमें बिहार की कई नदियों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं बागमती, बूढ़ी गंडक लिंक, बूढ़ी गंडक बयां, गंगा लिंक, कोसी, बागमती, गंगा लिंक आदि की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने साल 2019 में इसमें से मात्र एक कोसी मेची नदी को जोड़ने की योजना को क्लियरेंस दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, घाघरा, महानंदा आदि सभी बारहमासी नदियां हैं और बरसात के मौसम में इन नदियों के कैचमेंट एरियाज में बारिश होने पर पानी के बहाव की मात्रा और प्रबलता अचानक अत्यधिक हो जाती है, जो प्रभावित लोगों को संभालने का मौका ही नहीं मिलता है, जिससे ये नदियां भयंकर तबाही लाती है। यहाँ बिहार में बाढ़ की विभीषिका के अस्थायी समाधान के लिए इन नदियों को बिहार की अन्य नदियां जिनमें कम पानी रहता है इसे जोड़ना अति आवश्यक है। यह सीएम नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र में अगले पन्ने में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हर साल हजारों जानमाल और अरबों की आर्थिक क्षति को देखते हुए इन योजनाओं को तीव्र गति से मिशन मोड में करने की आवश्यकता है। ये योजना बाढ़ नियंत्रण, पेय जल की उपलब्धता, सिंचाई, पन बिजली उत्पाद सहित बिहार के आंतरिक जलमार्ग के रूप में अति उपयोगी साबित होगा, जिससे बिहार के चौमुखी विकास का मार्ग प्रसरित होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि नदियों को जोड़ने की योजना कछुए की गति से चल रही है और एकमात्र योजना की क्लियरेंस के 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। चूंकि वर्तमान में यानी कि अभी के समय में केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है, ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों को जान माल से जुड़ी तथा जनहित की इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना के कार्य में इतनी उदासीनता समझ से पड़े है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार और 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद होने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य देने की बात तो दूर, अभी तक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाया है। बीते 4 सालों में बाढ़ राहत के लिए केंद्र से बिहार को उचित मदद नहीं मिल पाई है, जबकि बिहार से कम जनसंख्या वाले राज्य को, जहां बिहार की तुलना में बाढ़ की विभीषिका भी काफी कम होती है, उन राज्यों को भी बिहार से अधिक आर्थिक सहायता मिली है। यह भी विचारणीय है, यानी कि यह भी सोचने वाली बात है। दोस्तों जदयू के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी ताजपोशी के लगभग 2 महीने बाद अपनी कमेटी यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। यह जेडीयू की नई राष्ट्रीय कमेटी में वैसे तो ज्यादातर चेहरे पुराने हैं, सिर्फ एक बात दिलचस्प है। यह बात यह है कि पार्टी ने 9 राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं, उनमें से 4 मुसलमान हैं। यह बीजेपी के साथ की पार्टी अगर मुसलमानों को इस कदर तवज्जो दे रही है तो इसके मायने निकाले जाने लगे हैं। दोस्तों उत्तराखंड में चीन के घुसपैठ की खबर पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते लिखा है कि जुमला
घर में घुसकर मारेंगे और सच चीन हमारे देश में घुस के मार रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना के 100 से अधिक जवान बॉर्डर पार करके भारत में घुस आए थे। यह सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुसे थे। यह चीनी सैनिकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, और इसके लिए मंगलवार को चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही अब बिहार में सियासी बयानबाजी भी सामने आई है। इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपनी जीत का दावा किया है और कहा है कि इस चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। इसके साथ ही आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने मंगलवार को पटना में एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट जीतकर बिहार में सरकार बना लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जीत के बाद तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार को अब तो इस्तीफा देना ही होगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और अगर हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीट जीत जाते हैं तो बिहार में हम सरकार बना लेंगे। हमारी गठबंधन की सरकार बनने पर हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे और एनडीए सरकार के सीएम जदयू के नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। दोस्तों, कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और बिहार को कोरोना मुक्त माना जा रहा है। जब स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार में 144,185 सैंपलों की जांच की गई थी, लेकिन इसमें किसी भी बिहार के व्यक्ति के सैंपल में कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। दोस्तों, छात्र नेता से नेता बने कन्हैया कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि भाकपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, लेकिन कांग्रेस से जुड़ने के साथ ही बीजेपी कन्हैया कुमार और कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई गटर से निकल करके नाले में गिर जाता है तो उससे सिर्फ सहानुभूति ही जताई जा सकती है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी जहां कटाक्ष कर रही है, वही कांग्रेस के अंदर खाने में भी दबी जुबान में विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। जहां कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए पार्टी को सतर्क किया है। मनीष तिवारी ने एक और ट्वीट में लिखा है कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही है। इधर कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी ने जमकर भड़ास निकाली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कांग्रेस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कांग्रेस की आदत है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे बोल बोलने वालों को पार्टी में शामिल करती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है कि जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया था, अब कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।